अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द खालदास रेसिपी स्टोर्स। मेरे चैनल की रेसिपी अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज की रेसिपी है मीट बॉल्स विथ पोटैटोज। ये साइड डिश के तौर पर यूज़ होती है और आप किसी भी चीज़ के साथ को सर्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें चिकन का कीमा है, ये जाएगा 200 ग्राम या 1.5 कप। इसके अलावा ब्रेड है जिसको हमने क्रीम में सोक कर लिया है। पोटैटोज हैं उबले हुए 3 से 4। लहसुन है, 2 से 3 अदद तक लहसुन के जोए ले लिए हैं हमने। चिकन के कीमे में हमने एक चम्मच हमने काली मिर्च पिसी हुई डाली है और 1/2 टीस्पून हमने डाला है अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ भी कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप। इसके अलावा नमक जाएगा हसबे ज़रूरत और ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने सोक किए हुए हैं क्रीम में उसको डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसकी हमने बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स बनाकर हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। और फिर निकालकर साइड पे रख लेंगे। जब इनका कलर सुनहरा हो जाए, गोल्डन हो जाए चारों तरफ से, जब आप डालते हैं उस वक्त हम इसको स्पून से नहीं लाते हैं, लेकिन जब इनका कलर चेंज होने लग जाए तो फिर हम इसको स्पून से उलट पलट करते रहें ताकि ये हर तरफ से गोल्डन हो जाए। जब इनका कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। पोटैटोज को भी हम बॉईल कर लेंगे और उसको क्यूब्स की शक्ल में काट के इसको भी हम सेपरेट रख देंगे। अब हमें चाहिए शिमला मिर्च 1/2, नमक चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, सॉल्ट है, आलू बॉयल हैं जो हमने कट किए हुए हैं, ये बारीक प्याज है और उसमें लहसुन है 3, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज तकरीबन 1 छोटी दरमियानी साइज़ की थी, बहुत बड़ा साइज़ का दरमियाना नहीं था, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है। टमाटो पेस्ट है, चिली सॉस है और सॉल्ट और लेमन है, लेमन जूस है। मेरे पास ये फ्रेश नहीं है, मेरे पास ये बॉटल में होता है, मैं वो यूज़ करती हूँ। सोया सॉस है। चलिए हम शुरू करते हैं। टू 3 टेबल स्पून ऑयल में हमने बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन डाल दिया, उसको हमने फ्राई किया। इसको गोल्डन नहीं करना है, बस 2-3 मिनट। जब यह हल्का सा क्रिस्टलाइज हो जाए या हल्का सा नरम हो जाए तो अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे, 1/2 कप है ये। टमाटर पेस्ट बनाना आसान है, आप जस्ट टमाटोज को छिलका उतार लीजिए और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें तो आपके टमाटो पेस्ट तैयार हो जाएगा, वो भी डाल सकते हैं। टमाटो प्यूरी को हमने इतना पकाना है कि ऑयल बाहर आ जाए ताकि इसका कच्चापन जो है टमाटो का वो ख़त्म हो जाए। देखिए ऑयल बाहर आ गया है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप डालेंगे। टोमेटो पेस्ट नहीं है, वो हमने पहले डाल दिया था, ये टोमेटो केचप है। अब हम इसमें टोमेटो केचप तकरीबन डालेंगे 4 टेबल स्पून है, भर के हमने डालने हैं।
4 टू 5 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ये सॉल्ट है 1 टीस्पून डाला है, अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। सोया सॉस डाला है हमने 1 टेबलस्पून है ये, एक खाने का चम्मच। हमने इसको बनाई की अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, ये एक खाने का चम्मच है 1 टेबलस्पून, और लेमन जूस है ये भी 1 टेबलस्पून है, बड़ा खाने का चम्मच। हमें इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, लंबी लंबी कटी हुई है। शिमला मिर्च डालकर, कैप्सिकम डालकर हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको नरम नहीं करना है, हमने जस्ट इसको क्रंची ही रहने देना है। बस हल्का सा हम इसको हिलाएंगे, 1-2 मिनट बस हल्का सा हिलाकर इसको। अब हम इसमें पोटैटोज डाल देंगे और मीट बॉल्स डाल देंगे। और अच्छे तरीके से इनको मिलाकर, ये देखिए मीट बॉल्स डाल दिए हैं, अब स्पून से हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसको ढककर हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। उसके सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो पोटैटोस में आ जाएगा अच्छे तरीके से, और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का स्वीट एंड सावर मीट बॉल्स विद पोटैटो रेडी हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ये एक दिन बाद तो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि मुझे ये एक दिन के बाद ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि पोटैटोज़ में बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप इसे बच जाए फ्रिज में रखें तो आप नेक्स्ट डे खा के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। इसको हम स्पून के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, राइस के साथ और नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंजॉय।